ऐसी क्लासेस, आज हम लोग वो पढ़ेंगे जो कि बहुत इजी है, वो पढ़ेंगे जिसको कि बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ता, और वो पढ़ेंगे जो कि हम लोग के आसपास है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं साइंस को। तो साइंस में हम लोग कहाँ थे? साइंस में हम लोग थे चैप्टर 6 क्लास 7 फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जिसको कि हम लोग 6.2 तक आराम से हो चुका था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 6.3 जो कि है रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात तो कंफर्म है कि अगर आप ये वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो आपको रस्टिंग ऑफ आयरन में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो आप लिख के ले लो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये चीज तो आप लोग भी गौर की होगी कि जब भी कोई भी चीज अगर आप लोग का आयरन का होता है, मतलब लोहा का होता है, और वो बाहर किसी भी जगह पर रखा होता है, तो कुछ समय के बाद आप लोग उसमें उसके ऊपर एकदम ब्राउन सा कुछ लेयर देखोगे, तो बस उसी को हम लोग कहते हैं जंग। जब भी कोई भी आयरन का मटेरियल अगर बहुत देर तक बाहर रहता है, बाहर मतलब क्या, अगर छत पर हो गया या खुला जगह पर हो गया, तो उसमें एक ब्राउन सा लेयर बैठ जाता है, और उसी को हम लोग कहते हैं रस्ट, मतलब जंग लगना। ठीक है, तो अब हम लोग और अच्छे से इसमें समझते हैं कि रस्टिंग किसको कहते हैं। तो रस्टिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस ऑन द सर्फेस ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर इज कॉल्ड रस्टिंग एंड द सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। मतलब बहुत ही आसान से शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि रस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर रेडिश ब्राउन सा एक लेयर बैठ जाता है। और ये लेयर कैसे बैठता है? तो ये लेयर बैठता है मॉइस्चर और एयर से। तो मॉइस्चर और एयर की वजह से आयरन ऑब्जेक्ट में जो लेयर बैठता है रेडिश ब्राउन कलर का, उसी को हम लोग कहते हैं रस्टिंग, जंग लगना, है ना। तो इसमें जंग लगना में और कुछ नहीं है, रस्टिंग हम लोग और किसी चीज को नहीं कहते हैं। आप लोग बस ये देख लो कि जब भी कोई भी आयरन वाले मटेरियल में जब हम लोग उसको खुला में छोड़ देते हैं, तो उसमें मॉइस्चर और एयर की वजह से एक लेयर बैठ जाता है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और उसी चीज को हम लोग कहते हैं रस्टिंग, है ना। तो रस्टिंग हम लोग इसको कहते हैं। और जो सब्सटेंस जिस भी ऑब्जेक्ट में वो चीज लगा, जैसे कि मान लो लोहा का कोई ऑब्जेक्ट हम लोग बाहर रख दिए, अब कुछ समय के बाद मॉइस्चर और एयर की वजह से इसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का लेयर लग गया, जिसको हम लोग कहते हैं जंग लगना। तो ये जो सब्सटेंस है वो हम लोग का कहलाएगा रस्ट, और ये जो प्रोसेस पूरा हुआ उसको हम लोग कहते हैं रस्टिंग। ठीक है, तो उस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं रस्ट, और ये जो फॉर्मेशन होता है रेडिश ब्राउन उसको हम लोग कहते हैं रस्टिंग, जंग लगना। आगे देखते हम लोग आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स, आयरन बेंचेस, स्पेड्स, अ वेट ऑफ आयरन पैन, ब्रिजेस, कार, शिप, ट्रक एंड ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन इज एग्जांपल ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग का एग्जांपल की बात करें तो आयरन गेट्स हो गया, पार्क का जो आप लोग आयरन का गेट देखते हो उसमें भी आप लोग कभी कभी देखोगे तो उसमें जंग लगा हुआ रहता है। आयरन बेंचेस, अगर कोई भी बेंच अगर खुले में है ज्यादा टाइम तक है, उसमें मॉइस्चर लग रहा है और हवा लग रहा है, तो उसमें भी हम लोग का क्या होता है, रस्टिंग आ जाता है, रेडिश ब्राउन सब्सटेंस उसके ऊपर बैठ जाता है। स्पेड्स, स्पेड्स एक तरह का ऐसा टूल होता है जिससे कि खुदाई किया जाता है। ओके, क्योंकि स्पेड्स लोहा का रहता है इसलिए इसमें भी हम लोग का जंग लग जाता है। अ वेट आयरन पैन, मतलब एक गीला आयरन पैन, मतलब कि तवा, तवा अगर लोहा का रहता है अगर वो ज्यादा टाइम तक गीला रह गया या ठीक सूख नहीं पाया तो उसमें भी हम लोग का जंग लग जाता है। ब्रिजेस मतलब हो गया पुल, कार्स गाड़ी, और शिप्स जहाज, ट्रक ट्रक, और ऑलमोस्ट जितना भी आर्टिकल होता है, जितना भी ऑब्जेक्ट होता है जो कि आयरन का बना हुआ रहता है, वो सारे में हम लोग का जंग लग सकता है। कब लगेगा? जब वो मॉइस्चर और एयर में होगा। मॉइस्चर मतलब हो गया नमी, और एयर मतलब हो गया खुला जगह पर हवा में होगा। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग का मॉइस्चर में रहता है या एयर में रहता है उसमें हम लोग का रस्टिंग लग सकता है, जंग लग सकता है। आगे देखते हैं हम लोग रस्टिंग का इक्वेशन, मतलब रस्टिंग जो होता है उसको केमिकल रिएक्शन क्या होगा।
अब हम लोग वो देखते हैं, आयरन Fe, ऑक्सीजन O2 और वॉटर H2O, ये तीनों जब मिलता है और तीनों जब कॉम्बाइन होता है तो इसी से हम लोग का डस्ट बनता है, जंग लगता है, जिसका कि जिसको कि हम लोग कहते हैं आयरन ऑक्साइड Fe2O3। तो जब भी आयरन का कोई ऑब्जेक्ट होगा वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, मतलब एयर के संपर्क में आएगा, और वॉटर मतलब कि मॉइस्चर और नमी के संपर्क में आएगा, तो ये तीनों चीज रिएक्ट होगा और इसी से हम लोग का रस्ट का फॉर्मेशन होगा, मतलब कि जंग लग जाएगा। ठीक है, फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वॉटर इज एसेंशियल। अब रस्टिंग मतलब जंग लगने के लिए जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है ऑक्सीजन और वॉटर। अगर कोई भी आयरन का मटेरियल अगर हम लोग का बाहर है और उसमें अगर कोई भी मॉइस्चर नहीं लग रहा है, कोई भी वॉटर नहीं लग रहा है, कोई भी एयर नहीं लग रहा है, तो उसमें कभी कोई जिंदगी में जंग नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसमें ऑक्सीजन लग रहा है, वॉटर लग रहा है, तो उसमें जंग लगना तय है। ठीक है, तो रस्टिंग का जो दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है वो होता है ऑक्सीजन और वॉटर। ऑक्सीजन और वॉटर के प्रेजेंस में ही रस्ट लगता है, जंग लगता है। अब ये जो जंग लगता है उसके लिए हम लोग को कोई ना कोई उपाय ढूंढना चाहिए, क्योंकि हम लोग के आसपास तो देखो कितना सारा चीज आयरन का है, लोहा का है ना, लोहा के बिना हम लोग कभी रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये जो रस्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसके लिए कुछ प्रिवेंशन भी तो होना चाहिए, मतलब हो गया कि इसको रोकने के लिए कुछ चीज तो होना चाहिए जिससे कि हम लोग का जंग ना लगे, है ना। तो जंग को रोकने के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए कुछ चीज होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग, पहला होता है बाय पेंटिंग। अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को बराबर पेंट करते रहे, कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट को बराबर पेंट करते रहे, तो उसमें हम लोग का रस्टिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा। By oiling and greasing, अगर हम लोग किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट में ऑयलिंग करते रहे, मतलब तेल लगाते रहे या ग्रीस लगाते रहे, तो उससे भी हम लोग का रस्टिंग नहीं होगा। तीसरा है by alloying। Alloying हम लोग किसको कहते हैं? तो जब भी बहुत सारा दो तीन चार मेटल जो होता है वो मिलकर कोई एक मेटल बनता है जिससे कि उसमें कोरोजन ना हो, मतलब जिसमें कि उसमें जंग ना लगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं एलॉय। मतलब बहुत ही आसान से शब्दों में ये समझ लो कि दो तीन मेटल्स को मिलाकर जब कोई एक चीज बनता है, क्यों बनता है? ताकि उसमें रस्टिंग का फॉर्मेशन नहीं हो सके, तो उसी को हम लोग कहते हैं एलॉय। नीचे हम स्टेनलेस स्टील का बात करेंगे जो एक तरह का एलॉय है। वो एलॉय क्यों है? क्योंकि वो बहुत सारे मेटल से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम लोग का स्टेनलेस स्टील एक तरह का एलॉय है। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत सारे मेटल से मिलकर बनता है तो उसी को हम लोग कहते हैं एलॉय, है ना। तो एलॉय के द्वारा भी हम लोग का रस्टिंग से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। चौथा है हम लोग का बाय गैल्वेनाइजिंग, ओके, नीचे भी हम लोग इसका बात करेंगे। पांचवा है बाय क्रोमियम प्लेटिंग। अगर किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम लोग क्रोमियम का प्लेटिंग कर देते हैं तो इससे भी जो रस्ट होता है, जंग जो होता है, वो नहीं लगता है। आगे है गैल्वेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। वो प्रोसेस जिसमें कि किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग जिंक का एक लेयर लगा देते हैं, जिंक का एक लेयर डाल देते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। और गैल्वेनाइजेशन और कुछ नहीं है, जब भी हम लोग किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक का एक लेयर लगा देते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। मान लो कि यहाँ पे कोई एक आयरन का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर, इसके चारों ओर अगर हम लोग जिंक का एक लेयर लगा दिए तो इसमें जंग नहीं लगेगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, द आयरन पाइप्स वी यूज इन होम्स टू कैरी वॉटर आर गैल्वेनाइज। ये जो आयरन पाइप्स होता है जो हम लोग के घरों में होता है वो गैल्वेनाइज्ड होता है, मतलब उसके ऊपर जिंक का एक लेयर रहता है जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। और भी अगर इसका एग्जांपल देख लो तो आप लोग देखोगे कि शिप्स जो कि पानी में कितना ज्यादा देर तक रहता है, तो खारा पानी में जो रस्टिंग का जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत तेजी से होता है। साल्ट वाटर में ये जो रस्टिंग का जो प्रोसेस होता है, जंग लगने का जो प्रोसेस होता है, वो हम लोग का बहुत ज्यादा तेजी से होता है। क्योंकि देखो शिप हम लोग का क्या बनता है? आयरन से बनता है ना, और
आयरन से क्योंकि ये बनता है और शिप चलता कहाँ है, वो चलता है पानी में, तो उसको पानी और वाटर दोनों मिल गया, तो इससे हम लोग का ये वाला प्रोसेस हो जाएगा और इससे फिर रस्टिंग का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि शिप में जंग लगता है। लेकिन अब ये जो जंग लगता है उसके लिए क्या प्रिवेंशन है, तो उसके लिए हम लोग को बार बार टाइम टू टाइम उसमें बहुत पेंटिंग करना पड़ता है, पेंटिंग कर लो या इसमें से कोई भी प्रिवेंशन आप यूज कर लो। तो इसलिए शिप में बहुत ज्यादा क्या होता है, जंग लगता है, जिसके कारण हर साल बहुत सारे उसका जो भी पार्ट्स होता है शिप का उसको निकालना भी पड़ता है, हटाना भी पड़ता है, चेंज भी करना पड़ता है। तो शिप में बहुत तेजी से रस्टिंग का फॉर्मेशन होता है और इसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग ये सब तो कर ही सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, तो शिप भी हम लोग का रस्टिंग का ही एक एग्जाम्पल हो गया। ओके, आगे हम लोग देखते हैं, स्टेनलेस स्टील इज मेड अप ऑफ मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम निकल एंड मैंगनीज। ओके, तो हम लोग एलॉय का बात किए थे, तो यहाँ पर जो स्टेनलेस स्टील का हम लोग बात कर रहे हैं वो एक तरह का एलॉय है। अब ये एक तरह का एलॉय क्यों है, क्योंकि ये बहुत सारे मेटल्स से मिलकर बना हुआ है। तो अब ये क्या क्या से मिलकर बना हुआ है, तो ये हम लोग का बनता है आयरन और उसके साथ ही साथ कार्बन और मेटल्स जैसे कि क्रोमियम निकल और मैंगनीज, ये सब को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो हम लोग का एक स्टेनलेस स्टील बनता है जो कि जिसमें कि रस्टिंग नहीं होता है, जिसमें कि जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील हम लोग का एक तरह का एलॉय है जो कि बहुत सारे मेटल से मिलकर बनता है जैसे कि हो गया क्रोमियम मैंगनीज निकल, और इसलिए इसमें जंग नहीं लगता। बस इतना ही था हम लोग का टॉपिक 6.3 रस्टिंग ऑफ आयरन में, जिसमें हमको नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया। एनसीईआरटी बुक में हम लोग का जितना भी था हम लोग सारे के सारे चीज को अच्छे तरह से डील कर चुके हैं, और अगर आप लोगों को ये नोट्स बनाना हो तो आप लोग बना सकते हो। ओके, तो चलो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। और मैं प्रीवियस का अगर आप लोग शॉर्ट्स क्वेश्चन आंसर या प्रीवियस चैप्टर्स का वीडियो चाहिए होगा तो वो मेरे प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर देख सकते हो। तो चलो बाय, टेक केयर।